नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशी राजपूत। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने अपने समर्थकों के साथ करीब 500 बाइक लेकर कुकस स्थित हीरो मोटर कॉम के बाहर धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना की इस रैली को देखकर प्रशासन और पुलिस आला अधिकारियों के पांव फूल गए। उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैयार किया और पुलिस ने हीरो मोटर कॉम को सामने बैरिकेड्स लगाकर समर्थकों और युवाओं को नियंत्रित किया। वहीं मीना ने पुलिस के आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कुकस स्थित हीरो मोटर कॉम कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की मांग रखी। वहीं आपको हम बता दें कि कुकस औद्योगिक क्षेत्र में संचालित कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 45% नौकरी देने, रामगढ़ के बाहर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और जेडीए जोन 13 के इकोलॉजिकल जोन से अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने गुणवत्ता के भोमिया जी मंदिर परिसर में धरना दिया। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि प्रशासन की अनदेखी से हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। इकोलॉजिकल जोन में व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, बिना अनुमति के बोरिंग खोद रही है, जिससे आसपास के गांव में जलस्तर घट रहा है। मीना ने आरोप लगाया कि रामगढ़ बांध क्षेत्र में रखुसात वालों के अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। प्रशासन ने आंख मूंद रखी है और धरना स्थल से सांसद ने कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम को फोन करके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिस पर मीना बीएसएफ रोड स्थित खानों में भी पहुंचे और मौके पर जाकर अवैध खनन और जल दोहन का निरीक्षण भी किया। कुकस के बाद सांसद ने चंदवाजी रामगढ़ बांध क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर निजी फार्म हाउस के गेट पर धरना दिया। करीब 24 घंटे बाद सांसद ने अतिक्रमण हटाने और आमजन के लिए रास्ता खोजने के लिए चेतावनी के बाद धरना समाप्त कर दिया। इस मौके पर जम्बा रामगढ़ एसडीएम पुलिस सहित प्रशासन के 15 दिनों में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेट भी दे डाला। इस मौके पर जम्वाराम भाजपा नेता महेंद्र मीना, भाजपा नेता एचसीएच परिवाला विजेंद्र बीवाल और नाहटा जी भी वहां पे मौजूद थे। इसके बाद राजेंद्र मीना सहित सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। प्रियंका, हम अभी उपस्थित है कुकस स्थित हीरो मोटर कॉम के बाहर। यहां कुछ ही देर में किरोड़ी लाल मीना अपने समर्थकों के साथ 1000 बाइकों के साथ यहां पहुंच रहे हैं और यहां कुछ मांगे हैं उनकी, उन मांगों को लेकर यहां धरना प्रदर्शन करेंगे। कुछ ही देर में किरोड़ी लाल मीना 1000 बाइकों के साथ अपने समर्थकों के साथ यहाँ आंदोलन करने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ कुकस स्थित हीरो मोटर कॉम के सामने पुलिस पहले से ही बैरिकेड लगा रखी है। पुलिस को इस मामले की पहले से ही जानकारी थी और यहाँ पुलिस अभी चप्पे चप्पे पे हो गई है। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीना क्या यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार दिला पाते हैं। आप प्रियंका, मैं दर्शकों को बहुत जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ कुछ ही देर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस तैनात के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ मौका मुआयने पर जाब्ता पहुँच चुका है। मौका मुआयने पर जाब्ता पहुँचने के साथ ही पुलिस के बैरिकेड यहाँ लगा दिए गए हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ 1000 बाइकों के साथ वहाँ आ रहे हैं। दिल्ली रोड होते हुए वो आ रहे हैं और बाइकों पे आ रहे हैं। आप यहाँ देखना होगा कि पुलिस सुरक्षा को देखते हुए, पुलिस का इंतज़ाम को देखते हुए, प्रियंका क्या यहाँ जो इंतज़ाम किया गया है वो कम से कम 20 से 25 पुलिस बल यहाँ तैनात है और जो भीड़ है वो बहुत सारी है। क्या यह 20 से 25 जो पुलिस बल तैनात किया गया है वो इस भीड़ को कंट्रोल कर पाएगी, यह सवाल पुलिस पर भी आज खड़ा होता है। इसी के साथ आज की खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। नमस्कार।